नमस्कार दोस्तों, गेटिंग स्टार्टेड विद फॉर लूप पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: फॉर लूप का उपयोग करना, रेंज फंक्शन का उपयोग करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटू लिनक्स 14.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन 3.4.3 और IPython 5.1.0। इस ट्यूटोरियल के अभ्यास के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि लिस्ट्स का उपयोग कैसे करें। यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर संबंधित पाइथन ट्यूटोरियल्स देखें। पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। फॉर स्टेटमेंट प्रत्येक बार ब्लॉक को निष्पादित करते हुए क्रम में एक क्रम के मेंबर्स पर पुनरावृत्ति करता है। यहाँ लूप वेरिएबल प्रत्येक पुनरावृत्ति पर क्रम में आइटम की वैल्यू लेता है। प्रत्येक आइटम के लिए लूप बॉडी निष्पादित होती है। हम फॉर लूप का एक उदाहरण देखेंगे और देखेंगे कि इसे निष्पादित कैसे करें। पहले कंट्रोल ऑल्ट टी की एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें। अब IPython 3 टाइप करें और एंटर दबाएं। पाइलैब पैकेज आरंभ करें। टाइप करें परसेंटेज पाइलैब और एंटर दबाएं। अपना टेक्स्ट एडिटर खोलें, फॉर लूप लिखें, यहाँ दिखाए गए अनुसार कोड टाइप करें। यहाँ लूप वेरिएबल नंबर की सूची पर पुनरावृत्ति करता है और प्रत्येक नंबर का वर्गमूल ज्ञात करता है। नंबर्स हैं 4, 9, 16, 25 और 36। ध्यान दें, यहाँ हमने दो वेरिएबल्स नंबर्स का उपयोग किया जो नंबर्स की लिस्ट है। नम जो फॉर लूप के प्रत्येक आवर्तन में विचाराधीन लिस्ट का एलिमेंट है। वेरिएबल का नाम आपकी पसंद का कुछ भी हो सकता है। ध्यान दें कि फॉर स्टेटमेंट के बाद कॉलन लूप बॉडी की शुरुआत दर्शाता है। लूप में प्रत्येक स्टेटमेंट फोर स्पेसेस से शुरू होता है। इसका अर्थ है कि लाइन फॉर लूप में कोड का ब्लॉक है। इस उदाहरण में यह ब्लॉक में केवल सिंगल स्टेटमेंट है। ध्यान दें कि लाइन प्रिंट दिस इज आउटसाइड फॉर लूप इंडेंटेड नहीं है। इसका अर्थ है कि यह फॉर लूप का भाग नहीं है और उसके बाद की लाइन फॉर लूप के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए प्रत्येक ब्लॉक इंडेंटेशन लेबल द्वारा पृथक होता है। यह पाइथन में व्हाइट स्पेसेस के महत्व को दर्शाता है। होम डायरेक्टरी में sqrt_num_list.py के रूप में फाइल सेव करें। अब वापस टर्मिनल पर जाएं, टर्मिनल साफ करें, %run -i फाइल नेम के रूप में रन कमांड का उपयोग करके स्क्रिप्ट को रन करें और एंटर दबाएं। हमें फॉर लूप द्वारा निष्पादित दिए गए नंबर्स का वर्गमूल प्राप्त होता है। यह फॉर लूप के बाद निष्पादित प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट है। समान उदाहरण का उपयोग करें जिसे हमने sqrt_num_list.py में उपयोग किया। IPython इंटरप्रेटर प्रॉम्प्ट में कोड की प्रत्येक लाइन टाइप करें। प्रिंट दिस इज आउटसाइड फॉर लूप लाइन छोड़ दें। टर्मिनल पर जाएं, टाइप करें नंबर्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स में 4, 9, 16, 25, 36 और एंटर दबाएं। फॉर नम इन नंबर्स कॉलन एंटर दबाएं। आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट तीन डॉट्स में बदल गया है और कर्सर तीन डॉट्स के बाद नहीं है, लेकिन यहाँ तीन डॉट्स से चार स्पेसेस हैं। कृपया ध्यान दें कि IPython स्वतः ही ब्लॉक को इंडेंट करता है। तीन डॉट्स आपको बताते हैं कि आप ब्लॉक के अंदर हैं। अब बाकी फॉर लूप टाइप करें। प्रिंट पैरेंथेसिस में कोट्स में sqrt of कॉमा
num, comma, quotes में is, comma, num, asterisk, जो 0.5 का raise to power है, और enter दबाएं. हमने ब्लॉक में स्टेटमेंट्स पूर्ण कर लिया है, लेकिन अभी भी इंटरप्रेटर 3 डॉट्स दिखा रहा है. इसका अर्थ है कि आप अभी भी ब्लॉक के अंदर हैं. ब्लॉक से बाहर आने के लिए कुछ अन्य प्रविष्ट किए बिना एंटर की 2 बार दबाएं. इसने लिस्ट में प्रत्येक नंबर का वर्गमूल प्रिंट किया, जो फॉर लूप में निष्पादित किया गया. आगे हम पाइथन में रेंज बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखेंगे. रेंज फंक्शन इंटीजर्स की लिस्ट बनाता है. सिंटैक्स है रेंज स्टार्ट कॉमा स्टॉप कॉमा स्टेप. उदाहरण स्वरूप रेंज पैरेंथेसिस में 1, 20, 2 2 के स्टेप के साथ 1 से 19 तक इंटीजर्स बनाता है. रेंज पैरेंथेसिस में 20 0 से 19 तक इंटीजर्स बनाता है. ध्यान दें कि अंतिम नंबर जो आपने निर्दिष्ट किया लिस्ट में शामिल नहीं होगा. 1 से 10 तक सभी नंबर्स का घन ज्ञात करें. इसे पाइथन इंटरप्रेटर में निष्पादित करें. अब पाइथन टर्मिनल विंडो में फॉर लूप रन करने का प्रयास करें. कंट्रोल ऑल्ट टी की एक साथ दबाकर नया टर्मिनल खोलें. नए टर्मिनल में कमांड पाइथन टाइप करके पाइथन इंटरप्रेटर शुरू करें और एंटर दबाएं. टाइप करें फॉर आई इन रेंज पैरेंथेसिस में 1, 11 और एंटर दबाएं. हम देखेंगे कि इस समय ये 3 डॉट्स दिखाता है, लेकिन कर्सर डॉट्स के नजदीक है, अतः हमें ब्लॉक को इंडेंट करना होगा. पाइथन इंटरप्रेटर कोड को स्वतः इंडेंट नहीं करता है, अतः 4 स्पेसेस प्रविष्ट करें और फिर निम्न टाइप करें. प्रिंट पैरेंथेसिस में i कॉमा इनसाइड कोट्स क्यूब इज कॉमा i रेज टू पावर ऑफ 3. एंटर दबाएं. अब जब हम एंटर दबाते हैं हमें अभी भी 3 डॉट्स दिखते हैं. ब्लॉक से बाहर आने के लिए एक बार फिर से एंटर दबाएं. अतः मुख्य बात हमने यहाँ ये सीखी कि पाइथन इंटरप्रेटर और ब्लॉक्स को निर्दिष्ट करने के लिए IPython इंटरप्रेटर का उपयोग कैसे करें. 1 से 50 तक सभी ऑड नंबर्स को प्रिंट करें. आसानी के लिए इसे अपने IPython इंटरप्रेटर में करें. प्रश्न रेंज फंक्शन का उपयोग करके हल हो सकता है. टर्मिनल साफ करें. फॉर i इन रेंज पैरेंथेसिस में 1, 50, 2 एंटर दबाएं. प्रिंट पैरेंथेसिस में i 2 बार एंटर दबाएं. पहला पैरामीटर क्रम का शुरुआती नंबर है. दूसरा पैरामीटर रेंज का अंत है. ध्यान दें कि क्रम में अंतिम नंबर शामिल नहीं है. तीसरा पैरामीटर क्रम में स्टेपिंग के लिए है. यहाँ हम 2 रखेंगे, जिसका अर्थ है कि हम प्रत्येक दूसरा एलिमेंट छोड़ रहे हैं. इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं. इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा फॉर का उपयोग करके पाइथन में ब्लॉक्स बनाना, कोड के ब्लॉक को इंडेंट करना, फॉर लूप का उपयोग करके लिस्ट में पुनरावृत्ति करना और रेंज फंक्शन का उपयोग करना. यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं. पाइथन में इंडेंटेशन अनिवार्य नहीं है, सत्य या असत्य. 1 से 20 तक सभी नेचुरल नंबर का गुणनफल प्रिंट करने के लिए फॉर लूप लिखें. रेंज 1, 5 का आउटपुट क्या होगा और उत्तर है पहला असत्य, इंडेंटेशन पाइथन में अनिवार्य है. दूसरा y equal to 1 for x in range 1, 21 y into equal to
x, print y, तीसरा रेंज 1.5 1 से 4 तक इंटीजर्स की लिस्ट तैयार करता है, अर्थात 1, 2, 3, 4। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें। कृपया पाइथन पर अपनी सामान्य क्वेरी इस फोरम में पोस्ट करें। फॉसी टीम टीबीसी प्रोजेक्ट का संयोजन करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं। ये स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।